हेलो एवरीवन वेलकम टू द ऑल न्यू सेशन एंड ऑल न्यू क्लास ऑफ ट्रेडिंग अनलिमिटेड इस लेक्चर में हम लोग अपनी पुरानी डिस्कशन जो कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर ऑर्डर्स पेंडिंग ना हो तो क्या है तो होगा क्या तो सबसे पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ ट्रेडिंग की ये सबसे लॉजिकल और इफेक्टिव थ्योरी होती है ट्रेडिंग की क्योंकि हर चीज का आपके पास एक आंसर होता है यू हैव लॉजिकल एंड प्रॉपर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग कि चार्ट पे चीजें वर्क कैसे कर रही है ठीक है खैर छोड़ो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी उसको कंटिन्यू करते हैं एक आ, रूल वन हमारा कंटिन्यू हो गया रूल टू भी हो गया हमारा कंप्लीट अब रूल थ्री के बारे में बात कर लेते हैं रूल थ्री हमारा कुछ ये कहता था वेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो प्राइस के साथ क्या होगा प्राइस वेल नीदर गो अपवर्ड और यह हमारा थर्ड रूल है ठीक है कि जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो तो प्राइस के साथ क्या होगा प्राइस ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी यानी कि मान लेते ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई मार्केट में मार्केट में एक ही कैंडल बनना स्टार्ट हुई और जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं ग्रीन कैंडल यहां पर ओपन होती है ओपन होने के साथ ही ओपन होने के साथ ही हुआ क्या यहां पर बायर्स ने ऑर्डर लगाना शुरू करे बायर्स ने यहां पर ऑर्डर लगाना शुरू करे अब ये कैंडल ना ऊपर गई ऊपर गई लेकिन इमिडिएटली बायर्स ने जितने ऑर्डर लगाए थे ना जितने ऑर्डर लगाए थे अभी तो ऊपर जाती जा रही है और बायर्स ने मान लेते हैं हम लोग ऑर्डर लगाए वन सीआर शेयर के किसी भी स्टॉक का शेयर है एक करोड़ शेयर के ऑर्डर लगाए लेकिन उनको थोड़े टाइम बाद जब ये प्राइस ऊपर जा रही है उनको सफिशियंट अमाउंट ऑफ सेलर्स मिल गए इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए यानी कि सेलर्स भी मार्केट में ऐसे मिल गए जो शेयर्स हैं वो बेचने के लिए तैयार है उस पर्टिकुलर प्राइस पर जिस पर बायर्स खरीदने के लिए तैयार थे एक करोड़ शेयर ये एक प्राइस पर खरीदना चाह रहे थे एक्स जेड प्राइस पर उतने ही इनको सेलर्स भी मिल गए जो कि उस शेयर को बेचना चाह रहे थे सेम उसी जेड प्राइस पर तो होगा क्या इस कैंडल की जो फॉर्मेशन होगी कुछ टाइम के बाद या मार्केट क्लोज होते होते वो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी दिखे या तो वो ऐसी दिखे या तो रेड कलर की भी ऐसी वो स्टिक हो सकती है इसके साथ हुआ क्या इन कैंडल्स के साथ हुआ क्या ये पहले ऊपर जा रही थी इस तरीके से यहां से निकलते 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 ऐसे होते होते ऊपर जा रही थी लेकिन यहां पर जब सफिशियंट नंबर ऑफ सेलर्स जब मिल गए ना तो वापस ये उसी पॉइंट पर आते हुए क्लोज हो गई ये कैंडल और इस कैंडल की के अगर हम लोग बात करें जहां पर ये ओपन हुई ऑलमोस्ट वहीं पर आकर ये क्लोज हो गई जहां पर ये ओपन हुई वहीं पर ये ऑलमोस्ट आकर क्लोज हो गई लेकिन जब हम ये रूल पढ़ रहे हैं ना रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री तो इससे ना दो चीजें और निकल कर आ जाती हैं, कैसे अगर हम ध्यान से पैनी नजरों से इस चीज को देखें भले ही यहां पर कोई कैंडल ना बनी हो, ये स्टिक्स ही बन गई हो लेकिन हमारा दिमाग एक तरफ तो गया है ना मयंक कि यार ये स्टिक सर अगर बनी भी है तो एक स्टिक ग्रीन क्यों बनी है और दूसरी स्टिक रेड क्यों बनी है यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल तो है ना यानी कि इस वाली स्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पक्का हमें कोई ना कोई झलक तो ये बता रहा है कि अगर ये ग्रीन है तो बायर्स तो हैं यहां पर और ये अगर ये रेड है तो यहां पर सेलर्स तो हैं बताओ हाँ के ना है कि नहीं है ना तो रूल नंबर थ्री से एक रूल हमारा और डिराइव होता है जब हम ये वाली बात बोलते हैं ना व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो इसी के साथ एक बात हमारे सामने और आती है सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं को ले आते हैं जब हम ये वाली चीज बोल रहे हैं ना वे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इस रूल में दो चीजें और हमें शामिल करनी पड़ेंगी हम इसको ये बोल सकते हैं एक सिचुएशन इससे ये बन सकती है डिमांड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सप्लाई इस सिंबल को ये समझ जाओ ऑलमोस्ट इक्वल है डिमांड सप्लाई से और रीड करने पे आए तो उसे कुछ ऐसे भी रीड करा जा सकता है कैसे वेन सप्लाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डिमांड अब आप कहोगे तो आपने इस रू देखो बनाया तो मैंने ये ऊपर वाले रूल से ये मेन रूल से ये डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई लेकिन अगर हम चार्ट पे इस चीज को देखें आई का चार्ट खोल रहा हूं मैं आपके सामने यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज देखो अगर आप ये देखो यार ये तो ये दोनों तो स्टिक्स दिख रही है मुझे रेड कलर की दिख रही है ये दोनों स्टिक एक ये वाली और एक ये वाली ठीक है और एक ये ग्रीन कलर की स्टिक भी दिख गई मुझे ये यहां पर एक ये भी स्टिक दिख गई एक ये रेड कलर की स्टिक दिख गई मुझे लेकिन फिर कोई कोई चीजें मुझे, चीजे मुझे ऐसी भी दिख रही हैं यहां पर वेटा मिनट कोई कोई चीजें मुझे ऐसी भी दिख रही हैं जैसे आप यहां पर देखो ये प्रॉपर स्टिक्स नहीं है इनमें थोड़ा सा फिल्ड पार्ट मुझे इन दो में ग्रीन कलर का दिख रहा है सिमिलरली इस वाली कैंडल के अंदर थोड़ा सा फिल्ड पार्ट मुझे रेड कलर का दिख रहा है ये ये जो बीच में रेड कलर की कैंडल है इन दोनों कैंडल्स में एक कैंडल ऐसी है जिसका थोड़ा सा फिल्ड पार्ट मुझे रेड दिख रहा है और उसके नेक्स्ट कैंडल ऐसी है कि थोड़ा सा फिल्ड पार्ट ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखो जब भी कोई कैंडल ऐसी हमें दिखती है सब में स्टिक लाइक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर नहीं बनता है किसी किसी में थोड़ा सा ही फिल्ड पार्ट कुछ बॉडी पार्ट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये सारी की सारी कैंडल सेम थोड़ी ना बताओ जरा ये वाली कैंडल ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल ये सारी सेम है क्या बताना जरा मुझे मयंक ये देखो ये देखो ये सारी स... मिस भाई सेम दिख रही है ये तो स्टिक है ये स्टिक है लेकिन ये स्टिक होने के बावजूद भी इसमें जो ये ऐसा पार्ट हॉरिजोंटली जो ऐसा के स्टिक की फॉर्म में क्लोज हो गया लेकिन यहां पर बॉडी की फॉर्मेट में दिख रहा है फिर सवाल हमारे मन में ये भी है कि ये स्टिक रेड क्यों है यहां पर तो कोई बॉडी नहीं है लेकिन फिर भी ये रेड क्यों है और ये वाली जो स्टिक है ये वाली बेटा ये वाली जो स्टिक है ग्रीन क्यों है ये वाली, ये वाली ग्रीन क्यों है और ये वाली रेड क्यों है और ये वाली रेड होने के बावजूद भी इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है तो वो फिल्ड क्यों है इसलिए मैंने यहां पर आपको ये वाली चीज लिखी कि डिमांड जब इक्वल हो ना सप्लाई से तो उस केस में भी हमारे पास दो सिचुएशन ये आ सकती है कि डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है सप्लाई के या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल है डिमांड तो के एक ही बात है वैसे तो आप कैसे भी रीड कर लो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है बिल्कुल इक्वल नहीं है ठीक है समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं मयंक मिसबा मयूर समझ पा रहे हो इस चीज को ठीक है अब देखो सिंपल सी चीज है इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी आएगी अगर कोई कैंडल ऐसी बनी है ना जिसमें एक पार्ट जो है आपको ऐसा लग रहा है कि वो फील्ड है और ये रेड कलर की है और एक कोई ऐसी कैंडल बनी है जिसमें बॉडी तो आपको दिख ही नहीं रही जैसे लेफ्ट वाली में तो फिर भी आपको बॉडी दिख रही है लेकिन यहां पर प्रॉपर आपको बस ये एक स्टिक फॉर्मेट में दिख रही है और इसी के साथ हम इसको भी बना लेते हैं कि एक कैंडल है आपको ऐसी दिख रही है और उसके अंदर एक प्रॉपर आपको बॉडी पार्ट दिख रहा है ये और एक कैंडल दिख रही है ये कुछ ऐसी जिसके अंदर लेकिन बॉडी पार्ट ना होकर एक प्रॉपर वो ऐसी है कुछ स्टिकी फॉर्मेट में जैसे क्रिश्चियंस का जो साइन होता है वैसा और ये इसका फिल्ड पार्ट है एक मिनट के लिए ऊपर वाले कंसेप्ट को जरा साइड करते हैं और सबसे पहले इसके ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं इस फोकस करो जरा यहां पर केस क्या है अगर ये रेड है ट्रेडिंग चार्ट देखो एक बात याद रखना कभी भी ये झूठ नहीं बोलते इनके अंदर कोई गेम नहीं होता है मतलब जैसे अगर आपको ये दिख रहा है ना कि सच में यहां पर आप सोचोगे यहां पर कोई बहुत तगड़ा बाइंग प्रेशर आया होगा लेकिन ये हमें ऐसा करके कि प्रॉपर एक लाइन दिख रही है ट्रेडिंग पे कभी कुछ गेम नहीं होता यहाँ पर हमसे कोई झूठ नहीं बोल सकता इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम चार्ट्स पे रहेंगे हमें कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह वो देखना बिल्कुल वो नहीं है आ, हमारी नीड नहीं है क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह देखने में तो ये भी हो सकता है कि कंपनी कुछ अंदर कुछ गेम कर रही हो जो कि हम तक ना पहुँचे वो खबर और ऐसे फिर कितनी कितनी कंपनीज का कितने कितने क्रिप्टोज़ का ध्यान रखेंगे चार्ट जो बोलते हैं वो बेस्ट होता है बात करते हैं इसके ऊपर यहां पर हमें एक चीज तो ये चीज तो समझ में आ रही है कि देखो हम इतना तो जानते हैं कि ये ऊपर से ओपन होती है कैंडल अगर ये रेड है तो एंड नीचे जाकर हो जाती है क्लोज ये यहां पर क्लोज और ये यहां पर क्लोज इतनी चीज तो क्लियर है ये चीज तो सही लिखी है मैंने यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये वाला इसका ओपनिंग पॉइंट, एंड ये वाला इसका क्लोजिंग पॉइंट सिमिलरली ये वाला हल्का सा ऊपर इसका ये ओपनिंग पॉइंट एंड ये वाला इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या सही है ये और चलो अगर इसको एक ही मान के चलना है तो ये भी कर देते हैं अगर इसको यही मान के चलना है तो ऐसा कर लो इसको कोई टेंशन नहीं है कि जो इसका ओपन है वहीं इसका क्लोज है अब तो ठीक है अब कोई डिबेट नहीं क्योंकि वो सिंपल ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसमें कोई ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या ऊपर नीचे होगा इसमें बताओ जरा इसमें क्या ऊपर नीचे होगा इस वाले में कुछ ऊपर नीचे नहीं है कोई बॉडी नहीं है तो ओपन क्लोज तो सेम ही है ना और प्रूफ भी कर देते हैं लोग टी रख देते हैं इस पर यहां पर ओपन देखो सेवनटीन पॉइंट टू फाइव और क्लोज देखो सेवनटीन पॉइंट टू फाइव हो गया प्रूफ ग्रीन वाले का प्रूव कर दें ये देखो ये वाला ये वाला जो उसका ओपन होगा वही क्लोज होगा देखो ओपन सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव क्लोज सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव इस रेड वाले का रखते हैं ओपन सिक्सटीन पॉइंट नाइन फाइव और क्लोज सिक्सटीन पॉइंट नाइन फाइव सी से क्लोज ओ से ओपन क्लियर हो गया लेकिन जिनमें फिल्ड पार्ट है ना उनमें देखना ओपन और क्लोज में सिर्फ ओपन और क्लोज की बात कर रहा हूं मैं हाई और लो छोड़ो अभी जिनमें फिल्ड पार्ट है ना इस वाले में दिख रहा है मुझे फिल्ड पार्ट ये एक मिनट इस वाली रेड में मुझे फिल्ड पार्ट दिख रहा है अब मैं यहां रखूंगा ना इसमें ओपन और क्लोज सेम नहीं होगा ये देखो ओपन है 17.50 और क्लोज देखो सी से क्लोज 17.45 आ गया फर्क क्या सबको दिख रहा है 17.50 ओपन और 17.45 क्लोज सिमिलरली ये जो है ना ये इसमें भी फिल्ड पार्ट मुझे दिख रहा है इसके भी ओपन और क्लोज में डिफरेंस होगा देखना सेम नहीं होगा जैसे इसमें सेम था इसमें सेम था इसमें सेम था इसमें अलग होगा देखना ओपन है 17.60 और क्लोज है 17.65। यानी कि इसमें भी .5 का डिफरेंस मुझे देखने को मिला ओपन क्लोज में इस रेड वाले में और इस ग्रीन वाले में भी .65 का डिफरेंस .5 का डिफरेंस है .05 का 17.60 इसका ओपन है और 17.65 इसका क्लोज है सिमिलरली अगर आपको एक और देखा ये देखो इसमें भी फिल्ड पार्ट है तो इसके भी ओपन और क्लोज सेम नहीं होगा डिफरेंस होगा ओपन 17.45 यानी कि यहां से ओपन हुआ ये देखो बगल में लिखा भी है 17.45 और क्लोज है इसका 17.50 ग्रीन कैटल नीचे से ओपन होती है ऊपर से क्लोज होती है देख रहे हो और यही चीज अगर इसकी रेड की बात कर ले ओपन इसका सेवनटीन पॉइंट फाइव जीरो ऊपर से ओपन होती है लाइन अब एकदम से आ गई सेम ऐसा नहीं होता हमेशा कि इसकी कैंडल बनाने गए बगल वाले की भी मार्क हो गई अपने आप ये तो हमने इसकी मार्क कर देते ऑटोमेटिकली पर फिट हो गई है सेवनटीन पॉइंट फाइव जीरो और क्लोज है इसका नीचे क्लोज होती है रेड कैंडल सेवनटीन पॉइंट फोर फाइव और ये नंबर देखो आपके सामने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ये ठीक है यहां पर यही गेम हुआ है यहां पर लेकिन ये जो रेड है ना बस ये रेड इतना सिग्निफाई करती है इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें यहां पर अगर नंबर ऑफ बायर्स मान लेते हैं अगर वो दस हजार है ना तो नंबर ऑफ सेलर्स अब रेड है तो बताओ मैं ज्यादा होंगे बायर से कि कम होंगे सेलर ज्यादा होंगे है ना मिसबा एग्री लेकिन क्योंकि लेकिन क्योंकि डिफरेंस छोटा सा है ना मतलब अभी ये कुछ बहुत बड़ा पार्ट तो बन नहीं रहा जैसे हम प्रीवियस कैंडल्स बना रहे थे प्रीवियस लेक्चर में छोटा सा पार्ट दिख रहा है तो यहां पर ऐसा मान लो कि सिर्फ ग्यारह हजार होंगे एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं कंफ्यूज नहीं हो जाना ये नंबर आपने कैसे लिया कैसे बना दिया ये लॉजिक है बस एक ये एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है क्या मेरी बात ये चीज़ समझ में आई और ये वाली बात अगर मैं करूँ ना ये वाली बात मैं इस कैंडल के लिए कर देता हूँ रुक जाना एक मिनट के लिए रुक जाओ ये वाली बात मैं इस कैंडल के लिए कर देता हूं ये ये वाली जो कैंडल है स्ट्रक्चर ये केस केस है केस भी को थोड़ा सा साइड देकर चलते हैं केस भी यहां पर अगर हम बोल रहे थे ना तो इस इस केस में पता क्या होगा ये बना ये तो बिल्कुल सेम है तो यहां पर अगर नंबर ऑफ बायर जो है ना वो है टेन के नंबर ऑफ सेलर्स जो है ना यहां पर ये रेड बनी है मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना इस कैंडल में ये रेड बनी है ये ये देख रहे हो ये रेड बनी है थोड़ा सा इसको आपके लिए इधर कर देते हैं ये अब देख रहा होगा ये रेड बनी है लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ये रखूंगा ना इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर टी मैंने प्रेस करा और यहां पर रखा तो देखो इसका मुझे ओपन और क्लोज बिल्कुल सेम बता रहा है ओपन सेवनटीन पॉइंट ओपन सेवेंटीन पॉइंट टू फाइव और क्लोज कितना 17.25 ये लग रहा है ना लेकिन ये रेड बना है रेड होता क्या ये चार्ट जो है ये जो डेटा है ये ऑलमोस्ट इसको सेम यहां पर होता है और बिल्कुल सेम होता भी होगा कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल हो सकता है यहां तक गई कैंडल तो एक, एक पॉइंट के लिए ये अगर यहां तक गई है तो एक पॉइंट के लिए ग्रीन रही होगी लेकिन जहां पर बायर्स ने ऑर्डर लगाना शुरू करे वहां पर उसको इक्वेलट नंबर ऑफ सेलर्स मिल गए तो ये कैंडल जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर आकर ये क्लोज हो गई देखो यहां पर नंबर क्या आ रहा है 17.25 लिखा हुआ आ रहा है अब इसके ऊपर टी प्रेस करूंगा तो देखो 17.25 भी इसका ओपन है 17.25 भी इसका क्लोज है लेकिन अगर ये रेड बनी है ना तो बस आप इसको प्रैक्टिकल से कुछ ऐसे समझ लो कि यहां पर ऑलमोस्ट जो सेलर्स होंगे वो ऐसे होंगे टेन पॉइंट जीरो जीरो वन समथिंग इतने सेलर्स होंगे मतलब इक्का दुक्का जो डिफरेंस होता है ना वो रह जाता है पेंडिंग ऑर्डर्स में इक्का दुक्का लेकिन इसको फिर ट्रेडिंग चार्ट कंसिडर नहीं करता है लेकिन उससे अभी इतना नेग्लिजिबल होता है कि फॉर एग्जांपल बस मैंने और सेल कर दिया मतलब हम तीन हम तीन चार ने सेल कर दिया तो बस इतना चार पांच बायर्स का फर्क आ गया मार्केट में क्या ये वाली बात समझ में आई सबको यहां पर एक बार बताओ टेन के और टेन पॉइंट जीरो जीरो वन के में कुछ डिफरेंस है हम लोग भी इसको अप्रोक्स ऐसी नहीं मान लेते अगर हमें किसी को रेफरेंस देना हो तो अगर हम इसको देखेंगे रियल आ, एक सेकेंड रियल ट्रेडिंग चार्ट पे अगर हम इसको देखेंगे और अगर मैंने यहाँ की प्रॉपर्टीज बतानी हो तो मैं इसका ओपन किसी को ये सत्रह पॉइंट टू फाइव रेफरेंस के लिए सत्र जीरो मतलब तो ऑलमोस्ट हम मैथ्स में ऐसे ही बोलते हैं अप्रोक्सिकली सत्रह के, के आसपास है सिक्सटीन पॉइंट एट जीरो सेवनटीन के आसपास चल रहा है यानी कि यहां पर समथिंग पॉइंट फाइव या फिर पॉइंट जीरो जीरो फाइव का फर्क होता है बस ये बस ये इसलिए रेड बनती है समझ में आया ये चीज आपको बताओ सबको समझ में आया कुछ कुछ पूछना तो फिर से फिर से बता दूंगा बता दो जरा कंफ्यूज तो नहीं हुए इसमें पक्का यानी कि देखो मैं ये बता रहा हूँ इधर अगर आप जाओगे ना मयंक ये वाली जो पूरी की पूरी हमारे सामने स्ट्रक्चर बनकर आया एक बार को उसको कैंडल ही कह लेते हैं कैंडल बनी ये ग्रीन भी अगर होती ना अगर ये ग्रीन भी होती तब भी इसका ओपन और जो क्लोज होता वो यही होता लेकिन ये रेड क्यों बनी ग्रीन क्यों बनी मैं बस इसको थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूं जैसे इसको देखो इस वाली को अब इसका ओपन और क्लोज देखो बिल्कुल सेम है वही नंबर आएगा देखो जहां पर ये ओपन हुई थी वहीं पर आकर क्लोज हो गई देखो और बगल में लिखा भी आपके सामने बगल में देखो ये लिखा भी है यहां पर ये यह देखो यहाँ पे लिखा है सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है ना अब अगर इसको समझने में आए ना हम लोग इसको अगर समझने में आए तो हम इसको ऐसा करते हैं हमारा केस ये हो गया केस भी हो गया इसको हटा देते हैं यहां पर अब हम क्या बोल सकते हैं बिल्कुल आराम से समझो हम जानते हैं ये कैंडल यहां से ओपन हुई है वाली और यहां पर जाकर होगी क्लोज बिल्कुल ठीक है इस केस में क्या हुआ होगा ओपन जहां हुई वहीं आकर क्लोज हो गई लेकिन फिर ये ग्रीन क्यों है जब ओपन और क्लोज बिल्कुल सेम हो गई थ्योरेटिकली अगर इसको देखें कि अंदर की कहानी क्या है कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमारे ट्रेडिंग पर या फिर इक्के तुक्के बाइंग पेंडिंग ऑर्डर अगर हमें ना दिख रहे हो वो करके उससे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है लेकिन मेरा काम यह है कि आपको एक एक कैंडल के बारे में खोद खोद कर बता देना ताकि आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन ना हो या आपसे कोई पूछे कि आपको इतना आता है तो आपको पता होना चाहिए अगर यहां पर हम मान लें कि नंबर ऑफ बायर्स जो है वो मान लेते हैं कि टेन के हैं और नंबर ऑफ सेलर जो हैं वो कितने होंगे बायर से कम होंगे या ज्यादा होंगे कम होंगे तो नाइन के कर देते हैं हम यहां पर बायर्स हैं हमारे सामने टेन के और सेलर्स हैं नाइन के ये तो हो गया ये वाला केस अब बात करते हैं इधर नंबर ऑफ बायर्स मान लेते हैं यहां पर है टेन के नंबर ऑफ सेलर्स जब ओपन एंड क्लोज सेम जगह पर हुई है तो नंबर ऑफ सेलर्स वैसे तो सेम ही होंगे वो टेन के ही होंगे ठीक है लेकिन यहां पर हम ऐसा मान लो कि डिफरेंस कुछ ना ऐसा है 9.999 के अब क्या ये जो 9.99 के होता है ये बिल्कुल सेम होता है कि नहीं होता है बताओ जरा अगर हम जब मैथ्स में इसको बोलते हैं कि अप्रोक्स ऑलमोस्ट सेम होता है ना तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि चार्ट्स आपको भले ही वो बताएं लेकिन मैं इसके पीछे लॉजिक समझाना चाह रहा हूं क्योंकि देखो बिल्कुल ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ना मयंक आप भी मुझसे क्वेश्चन करोगे कि सर जब ये सामने दिख रहा है चलो मैंने मान ली आप मुझसे कहोगे सर मैंने आपकी बात मान ली आपने प्रूव करके दिखा दिया कि आपने यही लाइन रखी और यही इसका ओपन भी यही क्लोज भी है यानी कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यहां पर सेम है इस वाली कैंडल पे अगर मैं यहां पर रख कर ला इसको तो आप कहोगे ठीक है सर आपकी ये वाली बात भी मान ली कि यहां पर भी सेम है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स फिर इसके बगल वाली कैंडल में अगर आप यहां पर रख रहे हो तो यहां पर भी मान लिया नंबर ऑफ बायर्स एंड सेम है लेकिन अब कल को आप किसी से पूछो या आपसे कोई पूछे कि फिर मुझे बेटा ये बताओ कि ये फिर ग्रीन क्यों है ये रेड क्यों है तो आप बोलो कि देखो यहां पर ट्रेडिंग चार्ट्स पर इसके डेटा में ओपन और क्लोज सेम दिख रहा है इसका भी इसका भी सेम दिख रहा है और इसका भी सेम दिख रहा है बस आप बोलो कि यहां पर जो डिफरेंस रह जाता है इसका आंसर ये है अब जो मैं लिखने जा रहा हूं इसका आंसर ये है कि ऑलमोस्ट जो ऐसी कैंडल होती है ये वाली इसका इसका तो कोई केस ही नहीं बनता ये केस बी वाली जो कैंडल्स होती है चाहे इस केस में चाहे इस केस में यानी कि ये वाली जो कैंडल्स होती हैं ऐसी इसमें से सुनना बायर्स और सेलर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल होता है यानी कि इसको आप कह सकते हो देर आर ऑलमोस्ट 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 का मतलब ये होता है कि कुछ होता है लेकिन पूरा नहीं होता ऑलमोस्ट की डेफिनेशन यही होती है कि ऑलमोस्ट शब्द का मतलब क्या होता है कि कुछ तो है वहां पर लेकिन पूरी तरीके से नहीं, नहीं है फर्क नहीं पड़ता इतना देर आर ऑलमोस्ट नो पेंडिंग बाइंग और सेलिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर केस बी की मैं बात कर रहा हूं देर आर ऑलमोस्ट नो पेंडिंग और नो पेंडिंग बाइंग और सेलिंग ऑर्डर लेकिन इस केस की अगर बात करें केस ए की यहां पर कि जिसमें हमें ये ओपन क्लोज तो अलग अलग दिख रहा था ओपन क्लोज अलग अलग दिख रहा था यहां पर ऐसे केसेस में आप बोलोगे अगर केस ए को हमें डिपेंड कर रहा हूं देयर आर नेग्लिजिबल पेंडिंग बाइंग फिर सेलिंग orders। अब समझ गए इस टॉपिक का मतलब जहां से हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो कहने के लिए कह देते हैं लेकिन ओरिजिनल मार्केट में हर हर चीज से ऐसा थोड़ी ना दिख जाता है हमें ये भी तो दिख रहा है जिसमें एक फील्ड पार्ट थोड़ा सा है। मैं ये नहीं दिख रहा बताना ना जरा मतलब ये और ये कैंडल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मार्केट में मान लिया मैंने कि के ये कैंडल इसको थोड़ा सा वैसा कर देते हैं एक मिनट मैंने मान लिया कि ये वाली जो कैंडल्स हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि यहां पर हमें एक कैंडल की बॉडी जो है वो विजिबल है और जबकि एक कैंडल है नो बॉडी विजिबल यानी कि वहां पर जो ओपन एंड जो क्लोज है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है इसकी मैं बात करूं तो ये केस हो जाएगा यहां पर और इसकी मैं बात करूं तो ये केस हो जाएगा यहां पर मैं मिटा कर दिखा देता तो हूं आपको इसको रुकना ये लो बॉडी विजिबल है यहां पर कि नहीं है बताओ इस वाले केस में और इसमें ये देखो नो बॉडी विजिबल ओपन और क्लोज सेम है बिल्कुल बताओ तो अब आप समझ गए कि इसमें दो केस ये कैसे बन सकते हैं कि डिमांड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है सप्लाई से और सप्लाई ऑलमोस्ट बस समझने का तरीका है, इससे हमारे आने वाली प्रैक्टिकल डेटिंग कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देखो बेबी स्टेप्स की तरह लेकर जाऊं बिकॉज दिस इज समथिंग मतलब वेरी डिफरेंट जो आपने नहीं सुना होगा महंगा ऐसा सुना है आपने कभी भी कहीं आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप मतलब अब आइडेंटिफाई कर सकते हो एक एक कैंडल को थोड़ा थोडा है ना है ना है इंटरेस्टिंग लगा किसी को या फिर बकवास लगा बताओ <laughs> नहीं नहीं पूछ रहा हूं मैं कई को लग रहा हूं पैसे बर्बाद चले के बकवास है सर ये तो <laughs> मिजबा कंफर्टेबल हाँ, बोरिंग बोरिंग वो बर मयूर आपके लिए हो सकता है <laughs> क्योंकि अब आप कर चुके हो <laughs> हाँ, इनिशियली क्योंकि हाँ ये लग सकता है किसी को कि यार ये जल्दी जल्दी पैसा कमाना क्यों नहीं सिखा रहे हैं ये कैंडल क्यों सिखा रहे हैं यार मैं आपको ना लाइफ इंश्योरेंस बनकर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कि जब कोई आपको टिप्स दे रहा हो उससे भी बेटर आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स निकाल सको और कोई आपके पास पर्सन अवेलेबल भी ना हो तो एटलीस्ट आपके पैसे किसी को पैसे देने के लिए ना जाएं कि भाई मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं तुम तो मुझे अच्छे अच्छे वो बता दो वो वो वाली बात तो आप भी सीख सकते हो ना थैंक यू मिसबा इंटरेस्टिंग है ना ठीक है तो क्या ये वाली बात सबको समझ में आई अगले लेक्चर में ना वैसे तो मैं एक लेक्चर रखने वाला था कि नेम्स पे जाऊंगा मैं ट्रेडिंग कैंडर्स इनको कहते हैं क्या कि जिसमें ये बॉडी पार्ट ज्यादा दिख रहा है किसी में स्टिक पार्ट ज्यादा दिख रहा है किसी में बॉडी बिल्कुल ही नहीं दिख रही है किसी में बॉडी थोड़ी सी दिख रही है लेकिन स्टिक फिर भी लंबी दिख रही है इन सबको नेम देंगे क्योंकि ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं अब बताना मैं मैं आपसे जब भी कोई रेफरेंस मांगूंगा या होमवर्क दूंगा तो ये थोड़ी ना कहूंगा मुझे कोई ऐसी कैंडल बनाकर दिखाओ जिसमें जीजियस क्राइस की तरह साइन दिख रहा हो और कोई ऐसी कैंडल बनाकर दिखाओ जिसमें बॉडी थोड़ी सी कम दिख रही हो और कोई ऐसी कैंडल बनाकर दिखाओ जिसमें बॉडी ज्यादा दिख रही हो स्टिक्स कम दिख रही हो ऐसे थोड़ी ना हम बोलेंगे इसको बार बार अपने रेफरेंस के लिए कोई नेम तो होना चाहिए ना लेकिन नेम से पहले एक लेक्चर हम ये रखेंगे अगला लेक्चर कि कैंडल्स की फॉर्मेशन की ये जो बनी कैंडल हमने जितनी भी कैंडल सीखी जो हमने रूल वन सीखा रूल टू सीखा और रूल थ्री में फर्दर दो रूल सीखे रूल ए और रूल बी डिमांड एंड सप्लाई डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो थर्ड रूल हो गया लेकिन इसके अंदर फर्दर दो रूल हमने सीख लिए कि नेग्लिजियबल जब हो हम ये जानेंगे कि कैंडल्स के की ये जो बनती है ये साइकोलॉजी कैसे डेवलप हम कैंडल्स की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि कि एक टाइम पर तो हमें ये चीज दिख रही है ना चीज हमें दिख रही है ना कि एक टाइम पर तो यह कैंडल इतनी लंबी थी यानी कि ओपन होने के बाद अगर ये रेड है ये यहां तक गई है एक बार को तो कैंडल एक बार को तो यहां तक गई है ओपन होने के बाद यहां से ओपन होने के बाद एक बार को तो ऊपर तक गई है उसके बाद नीचे तक गई है फिर वापस आकर यहां पर जाके एक क्लोज हुई है हम इसकी साइकोलॉजी को पहचानेंगे कि एक्चुअली यहां पर हुआ क्या जितना भी अभी हमने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी जो सीखी है पर मुझे वो वो वाली बात लेकिन लेक्स्ट लेक्चर की पर मुझे ये बता दो क्या आप सबको ये चीज समझ में आई इस लेक्चर में कुछ जानना है कुछ जानना मयंक ठीक है, है। मिसबा कंफर्टेबल मयूर तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते ही थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन